Johnson left rupees 1 lakh with the direction that it should be divided in such a way that his minor sons, Tom, Dick, and Harry, who are aged 9, 12, and 15 years, should each receive equally after attaining the age of 25 years. The rate of interest is 3.5%. How much each son receives after reaching the age of 25 years? तो उसका जो प्रिंसिपल जो इन्वेस्टमेंट है वो है टेन थाउजेंड सॉरी वन लाख एक दो तीन चार पाँच अब टॉम तीन बेटे हैं टॉम दे कैन हैरी अब तीनों को अमाउंट सेम मिलने चाहिए तो इसका सपोज अमाउंट हम ले लेते हैं एक्स इसे जो अमाउंट मिलेगा वो भी होना चाहिए एक्स एंड इसे जो अमाउंट मिलेगा फ्यूचर में दैट शुड ऑल्सो बी एक्स तो अमाउंट इक्वल मिलना चाहिए यहाँ पे देखिए इक्वल मिलने चाहिए अब टॉम का एज है नाइन ईयरसिंग द्वेंटी फाइव ईयर्स तो उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है उसके जो प्रिंसिपल होगा उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा नाइन एंड ट्वेंटी फाइव का डिफरेंस है so, इसका जो भी प्रिंसिपल होगा दैट है अब सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें वो ट्वेल्व ईयर्स का है और उसे पैसे मिलने हैं ट्वेंटी फाइव ईयर्स तो उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा थर्टीन ईयर्स का एंड थर्ड पर्सन का एज है फिफ्टीन और उसे पैसे मिलेंगे ट्वेंटी फाइव ईयर्स में यानी उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा टेन ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो तीनों का सेम है द्री पॉइंट फाइव परसेंट सो आर वन इज थ्री पॉइंट फाइव आर टू इज ऑल्सो थ्री पॉइंट फाइव आर थ्री ये भी है थ्री पॉइंट फाइव परसेंट अब इसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा इस अमाउंट का एंड इसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा प्लस इसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा ये तीनों का प्रेजेंट वैल्यू मिलाकर होना चाहिए वन लाख बिकॉज वन लाख हैज बीन इन्वेस्टेड तो इस अमाउंट का प्रेजेंट वर्थ इस अमाउंट का प्रेजेंट वर्थ और इस अमाउंट का प्रेजेंट वर्थ द टोटल वर्थ शुड बी वन लाख एंड वी नो हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वर्थ दिस विल बी ए वन डिवाइडेड बाय प्लस आर अपॉन हंड्रेड रेज टू एन अगेन पी टू के लिए आएगा ए टू डिडेड बाय प्लस आर टू अपॉन हंड्रेड रेस टू एन यहाँ पे एन टू एंड पी थ्री विल भी एन प्लस आर थ्री अपॉन हंड्रेड रेस टू एन थ्री एंड दिस टोटल शुड बी द प्रेजेंट द टोटल प्रेजेंट वैल्यू विच इज वन लैक फाइव अब ये सबस्ट्रीट्यूट करते हैं इसमें तो ये तो आएगा x अपॉन वन प्लस थ्री पॉइंट फाइव अपॉन हंड्रेड तो वन पॉइंट न थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड होता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव रेज टू एन वन एन वन इज सिक्सटीन फिर अगेन दिस इज एक्स ये भी आएगा 1.035 पॉइंट जीरो एन टू है हमारा 13 सो रेस टू 13 एंड अपॉन बी वन पॉइंट जीरो थ्री फाइव रेस टू टेन इज इक्वल टू वन लाख दो तीन चार पाँच अब इसमें से हम x कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन

कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द एम प्लस फंक्शन सो 1.035 ये 16 टाइम्स इनटू दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एंड देन उसका रेसी प्रोकल सो डिवाइड इक्वल टू अब ये वैल्यू को मेमोरी में डालते हैं सो एम प्लस फिर 1.035 ये तेरह बार मल्टीप्लाई करना है सो so, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा अगेन डिवाइड इक्वल टू दिस मैम वैल्यू गोज इन एम प्लस फिर वन पॉइंट जीरो थ्री फाइव इन टू ये टेन टाइम्स दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस देन डिवाइड इक्वल टू ये एम प्लस में जाएगा एंड देन मेमोरी रिकॉल तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आता है 1.9250288. दिस इज इक्वल टू वन लाख एक दो तीन चार पांच. अब डिवाइड बाय वन लाख करते हैं एक दो तीन चार पांच. एंड देन डिवाइड इक्वल टू तो फाइनली एक्स की वैल्यू हमें मिलती है फाइव वन नाइन फोर सेवन पॉइंट टू नाइन मतलब पॉइंट थ्री फाइव वन नाइन फोर सेवन ये ऑप्शन देखते हैं फाइव वन नाइन फोर सेवन ये तो नहीं है फाइव वन नाइन नाइन फोर है सो नो ऑप्शन इज क्लोज टू फाइव वन नाइन फोर सेवन तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी